लीव एप्लीकेशन छुट्टी का प्रार्थना पत्र अवकाश का प्रार्थना पत्र वी राइट लेटर्स एप्लीकेशन टू गिव इनफॉर्मेशन हम पत्र आवेदन पत्र सूचना देने के लिए लिखते हैं देयर आर इन्फॉर्मल लेटर्स विच वी राइट टू अवर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स रिलेटिव और फ्रेंड्स को जो पत्र लिखे जाते हैं विच वी राइट लिखते हैं हम लिखते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं देयर आर फॉर्मल लेटर लेटर टीचर्स ऑफिसर्स फॉर्मल लेटर्स उन्हें कहा जाता है जो अपने अध्यापकों को अपने प्रिंसिपल को और ऑफिसर्स किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लिखा जाता है उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं क्योंकि वो विभागीय होता है देयर इज ए फॉर्मल लेटर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन नीचे फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र गिवन बिलो दिया गया है रीड द एप्लीकेशन केयरफुली इस एप्लीकेशन को इस प्रार्थना पत्र को केयरफुली उनसे ध्यान पूर्वक रीड पढ़िए अब यहाँ पे एड्रेस है आप जहाँ रहते हैं जिस गाँव में विलेज में जहाँ भी रहते हैं जिस सिटी में रहते हैं जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका एड्रेस है जैसे 167 सिक्सटी सेवन टैगो टाउन इलाहाबाद ये अप्लीकेशन uh, इलाहाबाद के स्थान पर वहाँ के जो टैगो टाउन मोहल्ले के 167 बिल्डिंग से लिखा गया है डेट वहाँ पे डालनी है जिस डेट को अप्लीकेशन लिखी गई द प्रिंसिपल आप इसका सल्यूटेशन इस तरह से होगा संबोधन प्रिंसिपल के नाम है द प्रिंसिपल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल नेम सरस्वती शिशु मंदिर इलाहाबाद इसी तरह से आपके स्कूल का नाम जो भी है आप उसके स्कूल का नाम लिख सकते हैं और उसके प्लेस का नाम लिख सकते हैं सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव अब सब्जेक्ट क्या है क्यों लिख रहे हैं पत्र क्या सब्जेक्ट है क्या विषय है क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ी तो लीव के लिए रिक्वेस्ट है डियर सर मैडम किसी स्कूल के में सर जो है प्रिंसिपल होते हैं किसी स्कूल में मैडम होती है तो जिन स्कूलों में सर होते हैं वहां डियर सर जिन स्कूल में मैडम है वहां डियर मैडम आई बैक टू सी ऐसा नहीं कि दोनों को लिखेंगे आपको पता है कि आप इस प्रिंसिपल सर हैं है। तो जो है उनके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल आप करें I to say that I am not feeling well. मैं कहता हूँ कि मुझे अस्वस्थता का अनुभव हो रहा है मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ सो आई कैन नॉट मैं अस्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ सो आई कैन नॉट अटेंड क्लास इसलिए मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकता हूँ Kindly ग्रांट मी लीव फॉर वन डे कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश ग्रांट करें स्वीकृत करें तो यहाँ पर जो है आप टू डे भी लिख सकते हैं टू डेज थ्री डेज भी लिख सकते हैं जितने दिन के आपको अवकाश की आवश्यकता महसूस हो रही है वो आपने लिखना है थैंकिंग यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद यू आर सिफेथफुली आपका विश्वास पात्र आपका आज्ञाकारी एस डी यानी स्टूडेंट स्टूडेंट का नेम है राकेश कुमार और क्लास थर्ड ए तो ये आपकी एप्लीकेशन पूरी होगी इसी तरह से आप अपली